मेरा नाम नताशा बदवार है। 2 महीने पहले मेरी पहली किताब माई डॉटर्स मम साइमन एंड शस्टर ने पब्लिश करी, और ये किताब टुकड़े टुकड़े में ऑलमोस्ट 4-5 साल से मैं लिखती चली आ रही थी, और 4-5 साल से इस बात को रिजिस्ट कर रही थी कि ये फाइनली एक किताब के रूप में बने। समवेयर मैं परफेक्शन ढूंढ रही थी, और फाइनली हियर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस बुक। इट्स कॉल्ड माई डॉटर्स मम, मेरी बेटियों की माँ। ये किताब कई साल पहले एक सीक्रेट ब्लॉग की तरह शुरू हुई थी, जब अपने ऑफिस में बैठे हुए एक मीडिया प्रोफेशनल थी। मैं उस समय न्यू दिल्ली टेलीविजन के साथ एक सीनियर प्रोड्यूसर थी, कैमरा पर्सन थी। मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करती थी एज अ प्रोफेशनल, एज अ वाइफ, एज अ लवर, एज अ वुमन। और उस समय मेरी 2 बेटियाँ बहुत ही 4 और 2 साल की थी, एंड समवेयर मुझे ये एहसास होने लगा कि मेरी बेटियों की माँ की आवाज़ जो है, उसकी वॉइस जो है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, और उसको एक जगह चाहिए जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सके अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को लिख के अपने आप के लिए, सिर्फ अपने आप के लिए उनको समझने के लिए एक जगह बनाए, जहाँ पर मैंने इनको अपने ब्लॉग पर माई डॉटर्स मम, जिसका मैंने नाम दिया, पर लिखना शुरू किया। माई डॉटर्स मम के नीचे मैंने एक स्ट्रैप लाइन लिखी थी, प्रोफेशनल वुमन फ्रेंड लवर, द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। एक तरह से मेरे एडल्ट लाइफ में मेरे पहली बार बहुत सारे रोल आ गए थे, और वो हर एक रोल बहुत अहम था, पर मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि बाहर से तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि वो इतनी अच्छी नौकरी भी है, इतनी अच्छी शादी भी है, बच्चे कितने प्यारे हैं, सब कुछ कितना अच्छे से मैनेज कर रही है, लेकिन अंदर मुझे महसूस ऐसे हो रहा था जैसे ये अलग अलग रोल्स मुझे टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं, इनके बीच में कोई ब्रिज नहीं है, इनके बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। एंड आई फेल्ट कि अगर मैं लिखना शुरू करूं तो शायद मैं ये कंटिन्यूटी बना सकूं, शायद मैं समझ सकूं कि कहां पर कौन सा रोल दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करता है। एंड समवेयर वहीं से मेरा ब्लॉग शुरू हुआ, जो आगे जाके फेसबुक नोट्स बना के मैंने शेयर करना शुरू किया, बाद में मैंने ट्विटर पे शेयर करना शुरू किया, एंड समवेयर उसकी एक ऑडियंस ऑनलाइन धीरे धीरे बनती गई। एक कॉलम कमीशन हुआ मिंट लाउंज में, जिसका नाम भी हमने माई डॉटर्स मम रखा, और शुरू में तो उसका हमने उसके अराउंड एक ब्रैकेट था कि ये एक पेरेंटिंग कॉलम है, लेकिन पेरेंटिंग के टॉपिक में क्या नहीं आता। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आप सिर्फ ये नहीं सोच रहे हैं कि बच्चों को पालना कैसा है, आपके सामने कई सवाल आ रहे हैं। आप अपने बच्चों से एक नई तरह से कैसे बात करते हैं, आप कैसे पुरानी सारी स्क्रिप्ट्स जिनसे आपके दादा दादी ने जिया, जिनसे आपके माँ बाप ने जिया, जिनको आप अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा का पार्ट मानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम बड़े होकर ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन जब वो आपके सामने आती है वो सिचुएशन, तो यू फाइंड दैट इट्स नॉट सो ईजी, इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। एंड इस कॉलम के ज़रिए एंड इवेंचुअली इस किताब के ज़रिए मैं अपने लिखने में कोशिश करती हूँ कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करूँ और उनको अपने लिए समझूँ। और जब मैं वो बात अपने आप को समझा पाती हूँ, अपने बच्चों को समझा पाती हूँ, मैं इस तरह से लिख पाती हूँ कि उसको मेरी माँ पढ़ सके, तो आई फाइंड दैट इट हैज़ अ रेजोनेंस विद अ लार्जर ऑडियंस। एंड सो ये किताब जो है ये कई सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें पहला सेक्शन है माय डॉटर्स मम, मेरी बेटियों की माँ, दूसरा है माय पेरेंट्स डॉटर, मेरे माँ बाप की बेटी। क्योंकि मैंने ये पाया अपनी इस जर्नी में कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता मेरे बच्चों के साथ बहुत ही क्लीन हो, बहुत ही क्लियर हो, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसमें हम खुल के एक दूसरे से बात कर सकें, अपनी बात रख सकें, कोई भी किसी के इमोशंस पे ट्रैम्पल ना कर रहा हो, तो सबसे पहले मुझे अपना रिलेशनशिप विद माई ओन पेरेंट्स रिपेयर करना होगा। तो द सेकेंड पार्ट इज़ कॉल्ड माई पेरेंट्स डॉटर।
The third section is called The Only Daughter-in-Law, which is my relationship with my mother-in-law and my father-in-law. My husband's wife. हमारी तीन बेटियां हैं और शुरुआती सालों में हम बहुत ही वेल बिहेव्ड कपल थे. कभी आपस में लड़ते नहीं थे. अगर लड़ना होता था तो किसी के सामने नहीं लड़ते थे. लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, हमने रियलाइज़ करा कि हम लड़ें या ना लड़ें, वर्बली बात करें या ना करें उनके सामने, अगर हमारे बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो बच्चों को तो पता चल ही जाता है, वो तो सहम ही जाते हैं. तो उनसे छुपाने से बेहतर है कि उनके सामने खुल के बात हो, उन्हें भी तो पता चले कि अगर दिल में कोई बात है तो उसे एक दूसरे से कैसे कहा जाता है. हाउ कैन वी फाइट विद ईच अदर विदाउट रियली ब्रेकिंग एनीथिंग, यू नो, इन अ वे दैट वी कैन एक्चुअली कम बैक एंड बी लविंग अगेन. So my husband's wife is a section in which there's a lot of fighting between the two of us so that we can love again. The workplace goer, जो काम पे जाती है. The wanderer, जो घूमना चाहती है. The feminist, जो अपने लिए और दूसरों के लिए stand up करना चाहती है और करती है. The friend, और finally a nation's denizen, इस देश की एक citizen जो इस देश के हर एक मसले से रोज़ एक पर्सनल वे में और एक प्रोफेशनल वे में जूझती है. और जब इसी माहौल में हम बच्चे पालते हैं तो समवेयर सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. किसी दिन वो आपसे डिमोनेटाइजेशन के बारे में पूछते हैं, आपको समझाना पड़ता है. किसी दिन अखबार में वो लिंचिंग की हेडलाइंस देखते हैं, पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है आज के ज़माने में. किसी दिन वो टॉर्चर और कस्टोडियल इंटरोगेशन के बारे में पढ़ते हैं. उनका सवाल आता है आपके लिए कि ये कैसे हुआ. और ये सारी बातें बच्चों को समझाते समझाते आप अपने आप को भी समझा लेते हैं. सो जस्ट टू एंड, आई एम गोइंग टू रीड वन एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक. इट्स कॉल्ड कैन अलीज़ाज आइडिया ऑफ इंडिया सर्वाइव. इंट्रोडक्शन में मुझे बस ये कहना है कि मेरे बच्चों की माँ नताशा, मैं हिंदू पेरेंट्स की बेटी है, और मेरे बच्चों के पिता अफजल मुसलमान हैं. आई एम अ मुस्लिम, अ हिंदू, एन इंडियन, एंड आई लव हैरी पॉटर. आई फाउंड दिस ऑन द बैक पेज ऑफ माई डॉटर्स डायरी व्हेन शी वॉज 8 years old. She had put all the significant parts of herself together to define herself. It was an 8-year-old's one-line bio. 2 years later, Aliza was in a beauty salon getting a haircut when the hairstylist noticed her name and asked her if she is a Mohammedan. Aliza didn't understand the question. Ye kya hota hai? She looked at me to ask what he meant. He's asking if you're a Muslim, I said to her. Aliza looked up at him in the mirror and nodded a yes. 7-year-old Naseem, jo uski choti behen hai, felt the need to elaborate. We are Hindu and Muslim, she said. You cannot be both. You can be one of the two, said the hairstylist. But we are, said Naseem. Mama, we are both Muslim and Hindu, right? She turned to me for confirmation. You cannot be both, he repeated. Maybe in your family you cannot, but in our family we can, I told him. We can be whatever we choose to be. Are you Muslim? He asked me directly. I wanted to stay calm. If my children detected anger or heard my voice strain, they would know that there was a conflict. To his credit, the hairstylist gave Aliza a really good haircut. It is unlikely that we will visit his salon again. सो जस्ट लाइक दिस, ये किताब हालांकि एक बहुत ही पर्सनल टेरेन में रहती है, एक मेमोआर है, समवेयर ये एक फैमिली की कहानियाँ बताते बताते आज के हमारे पूरे सोसाइटी के, हमारे देश के बदलते रूप रंग की कहानी को सम हाउ डॉक्यूमेंट करती चली जाती है. दैट्स माई डॉटर्स मॉम फॉर यू. थैंक यू.